तो भर्ती का बड़ा खेल है जो बेनकाब हुआ है। एसीबी ने अहम कार्रवाई की है, लेकिन चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अलवर के ईएसआईसी अस्पताल में 581 पदों पर भर्ती होनी थी। गुजरात की एक एजेंसी एमजे सोलंकी को ठेका दिया गया था। कंपनी ने संविदा पर रखे जाने वालों से पैसा कमाना इस मामले में शुरू किया। एक साल के लिए होने वाली नियुक्ति के लिए कंपनी पैसे मांगने लगी थी और नियुक्ति के लिए 2 से 4 महीने तक का वेतन मांगा जाने लगा था। ये पैसे की डिमांड यहाँ पर की जाने लगी और इसी के तहत ही जब नियुक्ति दी जा रही थी तो 2 से 4 महीने तक का वेतन भी मांगे जाने लगा। और इस घपले में कंपनी और उसके कर्मचारी सभी लोग शामिल थे, यानी एक दो नहीं कई लोग हैं जो इसमें शामिल रहे। इसी कंपनी के पास जोधपुर में भी ठेका था। जोधपुर में काम कर रहा महिपाल यादव पहले से ही इनका जानकार था। महिपाल यादव अलवर जिले का ही रहने वाला था। कंपनी ने अलवर में ठेका मिलने के बाद भरत पुनिया को भेज दिया। संविदा पर नौकरी चाहने वालों से महिपाल यादव डील करता रहा। कंपनी ने अलवर में अब तक करीब 108 लोगों को चयनित किया है, ये एसीबी का कहना है, क्योंकि कार्रवाई एसीबी ने यहां पर की है। इस हिसाब से अगर पूरे मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ये एसीबी का कहना है। कि हालांकि पूछताछ जारी है, गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन एसीबी का कहना है कि कंपनी ने अब तक करीब 108 लोगों को चयनित किया है, इस हिसाब से पूरे मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। तो ईएसआईसी अस्पताल में संविदा भर्ती का पूरा मामला है। हालांकि मामले में जिन लोगों के नाम शामिल थे, जिन लोगों ने पूरा खेल खेला, वो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन अलवर के साथ साथ जोधपुर में भी कार्रवाई की गई है। महिपाल यादव जो कि जोधपुर में काम कर रहा था, ये इनका जानकार था, इसकी भी जोधपुर से गिरफ्तारी हुई है और अलवर जिले का ही रहने वाला महिपाल यादव बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को समझिए, कितना लंबा खेल था जो अब तक जारी था। कंपनी ने अलवर में ठेका मिलने के बाद भरत पुनिया को भेज दिया और संविदा पर नौकरी चाहने वालों से महिपाल यादव ही डील कर रहा था, जो कि जोधपुर संभाल रहा था। ईएसआईसी अस्पताल में संविदा भर्ती मामले का देखिए खुलासा हो चुका है। भर्ती का यह बड़ा खेल था जो बेनकाब हुआ है। एसीबी का भी इसे लेकर कहना है कि 108 लोगों को चयनित किया गया, इस हिसाब से पूरे मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और अलवर से सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एक बड़ा मामला, बड़ा खेल बेनकाब किया जा चुका है। एसीबी कह रही है कि 108 लोगों को चयनित किया गया, यानी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अब तक की जांच में और क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ और नाम भी उजागर हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा घोटाला है और हर एक तख्त जिसका चयन किया गया उससे 3 से 4 महीने की सैलरी पहले ही ले ली गई थी और ये सिर्फ 12 महीने के लिए, यानी एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने थे। लेकिन चूंकि सैलरी ज्यादा होती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसलिए जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अपने 3 से 4 महीने की सैलरी यहाँ पर दे दी। महिपाल यादव और दूसरे लोग जो थे, जिनके अभी तलाश एसीबी कर रही है, वो लोग हैं जो यहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसे अभ्यर्थियों को ला रहे थे जो यहाँ पर पैसे दें और उसके बाद यहाँ पर नौकरी करें। ऐसी एक फेरिस्त बनी। पहले फेज में 108 लोग लिए जाने थे, 80 लोगों की लिस्ट एसीबी के पास आ चुकी है, जिसमें पुनिया ने पहले 70 लोगों की लिस्ट कल सौंपी थी और उसके बाद देर रात उसने 10 और लोगों की लिस्ट सौंपी है। अब 80 लोग जो हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं कि किस तरह मिलान खाते हैं, कितना पैसा उनसे लिया गया। एसीबी उन सब लोगों को बुलाएगी, उनसे बातचीत करेगी कि कितना पैसा किसके थ्रू आकर, महिपाल यादव के थ्रू वो यहाँ पर पहुंचे थे या किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू आकर भरत पुनिया से मिले थे। ये पूरा खाका जो है वो एसीबी तलाश रही है, कर रही है। एक बड़ी बात इसमें एसीबी जो है उसमें तैयारी की है कि जोधपुर में भी चूंकि इसी कंपनी का ठेका है, वहां पर किस तरह रिन्यू किए जा रहे थे कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, या फिर कर्मचारियों को नई भर्तियां की गई थी, क्या यही मोड वहां पर भी अपनाया गया था और कितना पैसा लेकर ये लोग रिन्यू कर रहे थे, तो वहां पर भी एसीबी जांच शुरू करेगी। और आज एसीबी के आला अधिकारी जयपुर के अलवर पहुंचेंगे और इस मामले को पूरी तरह से छानबीन इसमें करेंगे। अश्विनी, एक और बात सामने आ रही है, जो फोन रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप डिटेल जो सामने आई है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल, यानी प्रत्यक्ष रूप से तो लोग जो नजर आ रहे हैं उनका नाम है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिनके नाम की बात कही जा रही है, बीजेपी कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं, इनको लेकर कोई जानकारी है? एसीबी इस ओर कैसे कार्रवाई कर रही है? अब देखिए, एसीबी के सोर्सेज कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं जो अलवर के हैं, जो इसमें लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहे थे, नौकरी दिलवाने के बाद बातचीत कर रहे थे और उनको ये भी पता था कि यहाँ पर पैसे लेने के बाद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी रख रहे हैं। ये एसीबी के सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि इतनी बात तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इसमें तफसील से जांच अभी एसीबी करेगी और एसीबी इस बात से बता रही है कि कोई भी ऐसा छोटा बयान नहीं जाना चाहिए ताकि कल कोई समस्या हो या बैक होना पड़े। पूरी तरह छानबीन करके जो फोन कॉल, जितनी फोन कॉल्स हुई हैं, जो रिकॉर्डेड हैं, उनके
ट्रांसक्रिप्शन किया गया। रात भर एसीबी की टीम और कर्मचारी जो लगे रहे, वो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आला अधिकारी पढ़ने के बाद उसको बयान देंगे और आज एक कंक्लूजन जो है एसीबी पूरे मामले में एक प्रेस नोट को जारी करके या एक बाइट देकर अलवर में जो आला अधिकारी आ रहे हैं वो एक कंक्लूजन इस पर दे सकते हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अब तक चार लोग हैं, चारों लोगों को आप कोर्ट में पेश किया जा रहा है और एसीबी उनका कम से कम 3 दिन का रिमांड उनका मांगेगी ताकि ये पता कर सकें कि वो लोग किन किन से उन्होंने पैसे लिए। इससे पहले जो पटेल इसका मालिक है कंपनी का, वो कितना पैसा यहाँ से ले जा चुका था, क्योंकि एक बातचीत में सामने आया कि दूसरी बार था जब पिछली बार भी 15 लाख रुपए लेकर गया था और इस बार भी 15 लाख रुपए लेकर वो जा रहा था तो अजमेर में वो ट्रैप किया गया और गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी और पैसा कहाँ कहाँ यहाँ से निकला, कहाँ कहाँ गया। बड़ी बात में ये भी है कि जो लोग रखे जाते थे नौकरी पे उनके लिए एक मेडिकल कॉलेज की भी 4 लोगों की समिति थी, वो समिति तय करती थी कि ये लोग यहाँ नौकरी कर पाने में सक्षम हैं, योग्य हैं या योग्य नहीं है। उन 4 लोगों की डिटेल एसीबी ने मेडिकल कॉलेज से ले ली है कि वो 4 लोग कौन कौन है। एसीबी की टीम उनसे भी पूछताछ करेगी कि आप कैसे किस रिहा पर इन लोगों को ये तय करते थे कि ये योग्य है या नहीं है, दोनों लोगों के बीच कितनी कॉल आपस में हुई है उसकी एसीबी जांच कर रही है और क्या दोनों के बीच में कोई संबंध है, कोई लेन देन का संबंध है जिसके बिहाफ पर वो लोग कंपनी के जो लोग कहते थे उन्हीं लोगों को यहाँ पर प्रीफर करते थे, उनको नौकरी दे दिया करते थे। ये पूरी चीज जो एसीबी देख रही है। पॉलिटिकल जो मामला है वो भी हो गया है। बहरोड़ से विधायक हैं बलजीत यादव, अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साफ तौर पर अलवर सांसद पर वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार वो इस तरह उन्होंने किया और वो वसूली कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने उनको वोट दिया। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए हर एंगल से यहाँ पर एसीबी जांच कर रही है, पूछताछ जारी है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और जांच आगे भी चल रही है अश्विनी। लेकिन अगर एसीबी ये कह रही है कि 108 लोगों को चयनित किया गया और इस लिहाज से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और ये भी कहा जा रहा था कि 2 से 4 महीने की सैलरी की डील की जाती थी जब इन्हें अपॉइंट किया जाता था, ये अलग अलग तरह से पैसे लिए जाते थे, अब क्या एसीबी की तरफ से जो लोग चयनित है उनसे भी 1-to-1 बात की जाएगी ताकि एक फिक्स आंकड़ा निकल सके, अमाउंट निकल सके और उस बेसिस पर कार्रवाई की जा सके? निश्चित तौर पर एसीबी ने उन अब तक 80 लोगों की लिस्ट एसीबी के पास आ चुकी है, उन 80 लोगों से कॉन्टेक्ट करने की तैयारी कर ली है कि उन 80 लोगों को एसीबी अपने ऑफिस बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी और जानेगी कि कितना पैसा उन्होंने दिया था और उसके बाद उनका चयन किया गया है। ये जो कंपनी है एमजे सोलंकी जो कंपनी है, इस कंपनी का श्रम मंत्रालय ईएसआईसी से किस तरह बिड में ये आईटी एग्जाम करके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है उस ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंपनी का चयन होता है, उसको ठेका दिया जाता है। इस पूरे मामले को भी कागजात इसके ले लिए गए हैं एसीबी की ओर से, उन सारे कागजातों को एसीबी तलाशेगी कि क्या ये पूरा जो प्रोसेस किया गया वो भी पूरी तरह से लीगल था या उसमें भी कहीं कोई खामी रही है। बिल्कुल, और क्योंकि विधायक बलजीत यादव हैं जिन्होंने सवाल सांसद पर भी उठाया है, सांसद बालकनाथ के लोगों का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है, अश्विनी क्या सांसद की तरफ से किसी तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह की कोई बात इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान आया? देखिए जिस तरह सांसद का अभी तक रिकॉर्डली कोई बयान नहीं आया है, ना कोई अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, संभव तो वो कर दें क्योंकि हम बलजीत यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलवर में कर रहे हैं। सांसद का ये कहना है कि उनके पास लोग नौकरी के लिए आते थे, वो नौकरी के लिए इस कंपनी और मेडिकल कॉलेज के लोगों के अधिकारियों के पास उन्हें भेज देते थे, उनका काम इतना है, जनप्रतिनिधि के लिए के नाते वो ऐसा काम करते थे, इतना उन्होंने किया है कि उन्हें वहां भेजा है, पैसे का लेन देन का कोई मामला नहीं बनता है, उनका ये कहना है। अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बेहद बड़ा मामला है और इसी मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है। एसआईसी मेडिकल कॉलेज एसीबी कार्रवाई प्रकरण में ये बड़ा अपडेट है। एसीबी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एसीबी द्वारा फोन सर्विलांस में मिले हैं 3 नेता, दलालों के फोन सर्विलांस में 3 नेताओं का जिक्र किया गया है। राज्य मंत्री टीकाराम जूली की बातचीत है, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की बातचीत है, महंत बालकनाथ के पीए की चैट सर्विलांस पर मिले हैं, लेकिन शायद तीनों की बातचीत में पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं है, अपने समर्थकों या परिवादियों को नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं को भर्ती में लेन देन का यहाँ पर पता था। तो ये बेहद अहम मामला और बेहद अहम अपडेट इस वक्त आया है। नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन देखिए इस कार्रवाई में, इस प्रकरण में लगातार जांच जारी है और जो ये बड़ा अपडेट आया है 3 नेता है जो एसीबी द्वारा फोन सर्विलांस में मिले हैं। देखिए लगातार हम सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि इन 3 नेता हैं, इन्होंने जो कंपनी का जो मालिक है उसको फोन किया था कि हमारे परिचित है, इनको आप नौकरी पे लगा दीजिए। तो इसके अंदर जो अब एसीबी अब कई एंगल से जांच करेगी, साथ ही एक बड़ा इनपुट और ही आ रहा है, जो गिरफ्तार हुए चारों व्यक्ति इन चारों के एसीबी ने मोबाइलों को जब्त किया है, उन मोबाइलों को अब एसीबी एफएसएल जांच के लिए भिजवाएगी और एफएसएल जांच के आधार में क्या कुछ निकलता है वो एक बड़ा मामला होगा। और भी कई कड़ियां
इस पूरे प्रकरण में खुल सकती है और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध जा सकती है। और आपको बता दूं एसीबी ने जो ईएसआईसी जो हॉस्पिटल है उसके 7 कमरों को इनकी जांच चल रही है। एडिशनल सिंह और एडिशनल एसपी विजय सिंह वो मौके पर उनकी टीम पर मौजूद है और वो सर्च अभियान जारी है। एक बड़ा इंपैक्ट सामने आ रहा है, वो खुद अलवर के लिए जयपुर से रवाना होंगे और वहां पर जाने के बाद में वो खुद कई लोग हैं जो भूमिका संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। इस पूरे प्रकरण के अंदर जो कॉलेज की डीन है तो उसकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, एसीबी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसका एसीबी ने खुलासा किया है। और पिछले 3 दिन से एसीबी की टीम है वो अलवर में डेरा डाले हुए थी, अलवर के अंदर जगह जगह पर एसीबी मॉनिटरिंग कर रही थी, कई होटल्स के अंदर वो जो दलाल थे और जो कंपनी का मालिक था वो होटल के अंदर रुके हुए थे, होटल के बाहर एसीबी की टीम रैकी कर रही थी। एसीबी की टीम ने वहां पर गुब्बारे तक बेचे हैं कि ताकि किसी को शक ना हो कि उनकी रैकी की जा रही है। इस तरह से एसीबी ने कड़ी मेहनत के बाद में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और उसके बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने तकरीबन 30 से 40 मीटर बाइक और कार से जो कंपनी का जो मालिक है उसका पीछा किया था और पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो जयपुर पुलिस के जो आईजी हैं एस संथागिर उनसे उनकी भी हेल्प ली गई थी और उन्होंने भी एक टीम उपलब्ध कराई थी जो अजमेर के अंदर जो टोल है वहां पर उस टीम ने उसको पकड़ा था। लगातार कार्रवाई जारी है। नवीन और अश्विनी आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।